हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बनाने वाले इलेक्ट्रिक बोर्ड जिसकी जरूरत काफी लोगों को होती है। तो फ्रेंड इसके साथ आपको इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड चलिए इसकी मेकिंग देख लेते हैं कैसे बनाया गया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें पीवीसी पाइप का टुकड़ा लेना और साइड साइड में गोल टाइप का पीवीसी पाइप को गर्म करके यहाँ पे उसकी सीट को हमें कट करके गोल टाइप का बना लेना है और उसके साइड साइड में लगाना है। हमें एक सॉकेट और एक स्विच ले लेना है और इसको हमें बराबर करके पहले इसका नाप ले लेना है कि कितने साइज का हमें यहाँ पे कट करना है। तो देखिए हम यहाँ पे नाप ले रहे हैं। देखिए यहाँ से आपको ऐसे नाप लेना है और यहाँ पे आपको बीच में कट कर देना है। ऐसे ही आपको साइड का भी नाप ले लेना है और उसके साइज का आपको यहाँ पे बीच में पूरा कट कर देना है। तो देखिए हमने कट कर लिया है। अब हमें सॉकेट और स्विच ले लेनी है और यहाँ पे हमें लगा देना है इसको पहले। तो आपको सीधे में लगा के और यहाँ पे इसकी मार्किंग ले लेनी है कि यहाँ पे आपको होल करना है यहाँ पे नट लगाने के लिए। तो देखिए हमने यहाँ पे होल कर लिया है। अब आपको लगा कर दिखा देते हैं। देखिए पूरा लग चुका है। हमें नट ले लेना है और यहाँ पे हमें कसना है। तो देखिए पहले हम चारों को लगा दे रहे हैं। तो देखिए हमने पूरा कस लिया अच्छे से। तो अब हम एलईडी लगाएंगे। तो देखिए इसका कनेक्शन हमने पहले से कर लिया है। तो इसके माइनस वाले में देखिए हमने 100 को एक रेजिस्टेंस लगाया है और इसके प्लस वाले में हमने डायोड लगाया है। इसके प्लस वाले में आप कोई भी डायोड का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसके लिए हमें यहाँ पे एक होल कर देना है। तो देखिए हमने होल कर लिया। अब इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। इसको लगा के हमें थोड़ा फेविकिप इस पर लगा देना है ये निकले ने। देखिए हम यहाँ पे फेविकिप लगा रहे हैं। तो देखिए हमने अच्छे से इसको चिपका दिया है। तो हमें इसके लगो को मोड़ देना है और यहाँ पे जो ज़्यादा बड़े तार दिख रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा कट कर देना है। तो देखिए हम यहाँ से कट कर दे रहे हैं इसे और यहाँ से हम इसे छील भी दे रहे हैं। तो देखिए ऐसे ही हमें इसे भी कट कर देना है। तो देखिए हमने सभी को कट कर दिया है। हमें छोटा सा वायर और ले लेना है और यहाँ पे हमें एलईडी के प्लस वाले में इसको हमें अच्छे से दोनों को एक में लगा देना है। और यहाँ पे हमें सॉकेट के जिसपे एल लिखा होता है एक एन होता है और एक एल, तो हमें एल वाले पे लगाना है जो कि फेस होता है। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों में ऐसे ही लगा दे रहे हैं। तो देखिए हमें लगा के ऐसे ही कस दे रहे हैं इसे। तो ऐसे ही हमें दोनों को कस देना है। तो देखिए हमें इसे भी आप कस दे रहे हैं। तो देखिए इसे भी हमने कस कर दिया है, आप एक बार देख लीजिए। अब आपको इसमें एक होल कर देना है जिसमें से हमारा वायर बाहर की तरफ निकलेगा। तो देखिए हमने होल कर दिया और हमने वायर ले लिया है और यहाँ पे हमें इसके अंदर तो हमें इसका कनेक्शन करना है। और हमें देखिए न्यूट्रल वाले को यहाँ पे हमें एलईडी के माइनस वाले में जोड़ देना है। तो देखिए हमने इसे जोड़ दिया है। अब हमें इसको सॉकेट के जिसमें एन लिखा होता है और न्यूट्रल होता है उसमें हमें यहाँ पे कस देना है। तो देखिए हम यहाँ पे ऐसे लगा के कस दे रहे हैं। तो हमने इसे कस दिया, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब हमें जो फेस वाला होता है उसको हमें स्विच के ऊपर वाले हिस्से में लगा देना है। तो हमें अच्छे से इसको मोड़ देना है। हमें यहाँ पे इसको लगा के कस देना है। देखिए इसे हमने यहाँ पे लगा दिया है और यहाँ पे हमने कस भी कर दिया इसे, आप देख लीजिए एक बार अच्छे से। तो हमारा देखिए पूरा कनेक्शन हो चुका है। तो अब हमें इसे बंद कर देना है अच्छे से। तो देखिए हम यहाँ पे इसको बंद कर रहे हैं। देखिए हमें इसको यहाँ पे लगा के इसको फेविकिप से चिपका देना है। तो देखिए हमने पूरा लगा दिया है और फेविकिप ले लेना है और यहाँ पे हमें अच्छे से चिपका देना है। तो देखिए हमने पूरा चिपका दिया है, आप देखिए अच्छे से। आप हमें इसके पीछे वाला भाग भी ऐसे ही चिपका देना है। तो यहाँ पे भी हमें फेविकिप लगा देना है। तो देखिए हमने पूरा फेविकिप लगा दिया है। तो देखिए हमारा पूरा अच्छे से तैयार हो चुका है। तो चलिए इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो हम इस प्लग को लाइन में लगा देंगे। तो चलिए इसकी स्विच को ऑन करते हैं। तो देखिए इंडिकेटर अच्छे से ग्लो हो रहा है। आप जैसे स्विच को बंद कर रहे हैं बंद हो जा रहा है। तो देखिए हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। तो हम इसकी टेस्टिंग दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे हमें सोल्डर लगा देंगे।
तो देखिए हमने यहाँ पे शोल्डर लगा दिया है। अब इसको हम थोड़ा ऑन कर देंगे, तो अब थोड़ा हमें रुक जाना है इसको गर्म होने तक। तो देखिए गर्म हो चुका है, अब देखिए अच्छे से हमारा वर्क कर रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको नए नए वीडियो इस चैनल पर हमेशा देखने को मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।